बस देखो ये भी जो आधा जो शिव जी और आधा पार्वती माता है उनके उस रूप में जो माता समिति वाले लोग, वो समिति वाले लोग मना किए हुए हैं। ऐसे में जो सेम आपको ऐसे मूर्ति दी बन मतलब बन के रेडी दिखेंगे, काफ़ी प्यारे लगे। अभी जो कोई तो ये भी काफ़ी यूनिक है, देखो काफ़ी अलग लग रहे हैं अभी माता जी, काफ़ी। हे गाइस नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। और गाइस तो अभी मैं हूँ औंधी में, औंधी में गिरधर तिलक चक्रधारी भैया जी के कला केंद्र में हूँ। और यहाँ की आपने जो गणेश मूर्ति देखी है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है और काफ़ी मतलब यूनिक यूनिक भी यहाँ पर मूर्ति बनती है। तो इस बार भी जो दुर्गा माता जी की मूर्ति है इधर भी काफ़ी ऑलमोस्ट सभी के सभी मतलब जो कलर स्टार्ट हो गए। और कुछ मूर्तियों में जो अभी जो पीछे दिख रहे होंगे, पीछे में जो कलर अभी मतलब जो धूप मौसम उधर कभी बारिश उधर है तो उस वजह से सूखने में जो प्रॉब्लम होती थी, तो अभी मूर्तियों जो बाहर है इसको सूखने के लिए मतलब बाहर निकाले हुए। तो अंदर में भी लगभग जो मूर्ति है वो कलर स्टार्ट हो गए, तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, वहाँ पर भी की मूर्ति दिखाता हूँ। तो चलो आपको अंदर चलता हूँ और वहाँ की मूर्ति दिखाता हूँ। तो यहाँ जो दो मूर्ति है, दो मूर्तियों की मतलब भी सूख देखो जो फायर है, फायर के मतलब हेल्प से उसको मूर्ति को सुखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी इधर पर भी ढक दिए हैं। और जो तो यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी मूर्ति है, लगभग यहाँ 8 फीट 9 फीट 10 फीट की यहाँ की मूर्ति है। तो यहाँ पर अभी जो फिनिशिंग है घसा जा रहा है, तो यहाँ अभी भी वर्क अभी जो देखो यहाँ पर जो लगभग ये भी होंगे 10 फीट के अबाव की है, जो उसमें भी वर्क चल रहा है, जो फिनिशिंग अभी दे रहे हैं। व्हाइट जो सेम व्हाइट पुट्टी लगता है वो व्हाइट पुट्टी लगने के बाद फिर उसके बाद अगेन घसेंगे, फिर उसके बाद जो व्हाइट सीमेंट, फिर उसके बाद कलर होता है। तो ये लगभग 10 फीट यहाँ पर 10 फीट के अबाव की मूर्ति है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो पार्वती सरस्वती माता है, कहाँ जाएगी भी दीदी मूर्ति है, सुकवारी बाजार रायपुर में जाएगी मूर्ति। तो यहाँ पर देखो ये भी जो आधा जो शिव जी और आधा पार्वती माता है उनके उस रूप में माता जी को बनाया गया है। और जो पीछे है नंदी महाराज है का, ये भी अभी कलर होने के बाद काफ़ी प्यारे लगेंगे। जो यहाँ पर से देखो ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, मतलब जो दो राक्षस है वो, और बीच में जो दुर्गा माता है, जो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं भाई। ये भी कलर होने के काफ़ी प्यारे लगेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो ये नौ नौ फेस वाली जो है, 9 फेस लगा है और माता जी ऊपर भी पूरे फेस लगेंगे। और ये मूर्ति भी जो है ये रायपुर में जाएंगी, लगभग यहाँ की जो सारी मूर्ति है सभी के सभी रायपुर ही जाएंगे। और कुछ मूर्ति जो भिलाई में जाएंगी, बाकी तो यहाँ की जो जितनी मूर्ति है सब रायपुर में जाएंगे। तो लगभग यहाँ पर 3-4 दिन में कलर भी स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ पर जो लगभग वहाँ जो मूर्ति है वहाँ पर कलर स्टार्ट हो गए। तो चलो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, वहाँ की मूर्ति दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर की जो मूर्ति है लगभग सभी के सभी रेडी हो गए, बाकी जो साड़ी पहनाना बचा है वो जो स्टोन है स्टोन वर्क किया जा रहा है। कि देखो यहाँ पर भी जो मूर्ति है लगभग यहाँ पर की भी मूर्ति पूरे रायपुर ही की है, रायपुर में है। और रायपुर में कहाँ जाएगी वो भैया ने मना किया है कि बताना है, क्योंकि थोड़ा जो सस्पेंस रहता है वो समिति वाले लोग मना किए हुए हैं। ऐसे में जो सस्पेंस रहता है वो मतलब पूरा वायरल हो जाता है, फिर इंटरेस्ट नहीं आता है। तो देखो यहाँ पर लगभग जो है जो कपड़ा साड़ी पहनाया गया है वो कलर है वो काफ़ी यूनिक दिख रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। और इधर पर देखोगे तो ये भी माता जी है, जो आपको वीडियो में आपको समझ नहीं आ रहा बट ये जो कलर है काफ़ी यूनिक दिख रहा है, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं माता जी। अगर बाल उल भी लगेंगे तो और भी काफ़ी प्यारे लगेंगे। तो को यहाँ पर भी सिंपल माता जी ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। बाकी जो इधर है वो स्टोन का वर्क किया जा रहा है। जैसे अब जो समिति ले रहते हैं वो मूर्तिकार वाले को मतलब पहले ही बता देते हैं कि स्टोन लगाना है स्टोन नहीं, मतलब उस टाइम पहले अब बोल दोगे तो वो स्टोन लगाते हैं।
आपने इधर का देख लिया और इधर का भी देख लिया, अब हम इधर लेके चलते हैं। और यहाँ पास भी जो मूर्ति है, यहाँ पास भी जो कलर स्टार्ट हो गए हैं, और जो यहाँ पास से अभी जो भैया मतलब थोड़ा हेल्प मतलब थोड़ा दो मिनट मांग के मतलब बाकी जो कवर पूरा ढक जा रहे हैं, क्योंकि जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से मतलब वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे थे। बट जो थोड़ा रिक्वेस्ट किया था वीडियो शूट कर रहे थे, देखो पूरा अभी उससे जो पॉलीथीन से ढक रहे हैं, जो अभी जो घसेंगे तो उसमें जो डस्ट है वो ना जा सके मूर्तियों में। बाकी तो ये देखो यहाँ पर जो पीछे जो ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं माता जी। और जस्ट इधर बगल में ये भी रायपुर जाएगी मूर्ति, रायपुर में कहाँ जाएगी वो पता नहीं है, मतलब मूर्तिकारों ने जो वो है वो समिति ले लोग मना किए कि बताना नहीं है। तो ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। जो पीछे में हवा में जो है शेर है और जो राक्षस है वो भी काफ़ी एकदम डेंजर टाइप के लग रहे हैं। और जो माता जी है, माता जी का जो फेस है वो भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, मूर्ति काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और ये मूर्ति देखोगे तो ये भी काफ़ी यूनिक है, देखो जो फेस है वो जो भैंस आता है ना उनका फेस में लगाया गया अभी। और ये माता जी काफ़ी अलग लग रहे हैं, अभी माता जी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और पीछे में जो है पूरा मटका है ना, मटका मटका का बैकग्राउंड दिया गया है। और देखो यहाँ पर जो है मूर्ति बस पूरे रेडी हो गए, बस जो आग बनाना है उसको वो बचा हुआ है। देखो नीचे ये लगभग ये आप बल्ला चक्रधारी जी के देखे होगे और मिलन चक्रधारी भैया जी के पास देखे होगे, ये तो मूर्ति बनी है। बाकी ये जो कलर हो गए हैं बस इसमें आग लगाना बस बचा, और उसके बगल में है ये भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। जैसा मैं पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको, जैसे फ़ोटो है सेम टू सेम आपको ऐसे मूर्ति बन के रेडी दिखेंगे, काफ़ी प्यारे लगे। अभी जो उसमें पीछे बाल वाल लगेगा और जो सजावट होगा वो मतलब बनने के बाद काफ़ी प्यारे लगेंगे। तो भाई काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पास है गणेश जी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता और कार्तिक जी, जो नौ रूप है, नौ माता जी है, उनके साथ ये मूर्ति जाएगी। तो यहाँ पास भी जो है कलर स्टार्ट हो गए, गणेश जी है और भी जो है जो स्ट्रक्चर है तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर जो छोटी मूर्ति बनेगी या जो शेर बनेंगे, शेर का शायद मेरे ख्याल से बन रहा है स्ट्रक्चर। बाकी तो यहाँ पर जो गणेश जी है इनकी अभी लगभग वर्क चल ही रहा है। तो बाकी यहाँ पर भी जो है आपने देखे होंगे तो यहाँ पर की भी मूर्ति अभी लगभग पूरे कलर स्टार्ट हो गए हैं। और जो वहाँ चल रहा है जो गहना वहना है जो है साँचा है उनके उसका जो साँचा बन रहा है इधर पास, ये भी जाएंगे जो नौ माता रायपुर में जाएंगे ये। We'll be right back.
तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा बहुत लग गया होगा कि ये वीडियो थोड़ा हड़बड़ी में बनाया होगा। हाँ तो भाई, मैं हड़बड़ी में बनाया क्योंकि ना यहाँ के जो गिरधर भी, मतलब जो भी है यहाँ के, वो मतलब बोले, मतलब बनाने ही दे रहे थे कि यार मतलब अभी मत बनाओ, मतलब वर्क ज़्यादा है और तुम 23 तारीख को आना, 24 तारीख को आना, तो समझ सकते हो भाई क्योंकि दिन भी कम है और वर्क ज़्यादा रहता है, तो टेंशन अलग, माइंड टेंशन। फिर यहाँ से मैं शूट करूँगा तो फिर पूछूँगा कहाँ की मूर्ति कहाँ की, तो वो अलग एक ठोक, मतलब जो हेडेक हो, मतलब सर वही हो, समझ सकते हो आप, मतलब बोलना अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अगर कुछ भी आपको अगर 19 मतलब थोड़ा बहुत लगा हो तो उसके लिए गाइस सॉरी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मतलब बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी तक गए इस गिरधर तिलक चक्रधारी जी का कला केंद्र में बेस्ट मूर्ति कौन सी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और क्या ही बोले यार, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं ना बीच बीच में मतलब जहाँ मतलब वो बताने भी चाह रहा था तो वहाँ पर भैया कवर ढक दे रहे थे, ये ढक दे रहे थे, मतलब मैं बोलने में भी मैं थोड़ा हिच, मतलब हिचकिचा रहा था, इस टाइप का बोल सकते हो, तो उसके लिए क्या ही बोले। तो ये वीडियो को गाइस अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाके के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय। अच्छा नहीं लग रहा यार, तो लगभग थोड़ा मत, तो भी चलो यार।